केजरीवाल जी ने हमारी मदद करी है हर चीज से, बिजली पानी राशन सब चीज से मदद। केजरीवाल के कारण ही आप लोग कन्हैया कुमार को सपोर्ट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेता तो नहीं है मेरे नजर में, वो नेता नहीं है। तब क्या है? वो अभिनेता है। अभिनेता है जी। अच्छा, नौ तिवारी का हमने कोई काम देखा ही नहीं यहाँ पे। हाँ। इधर तो देखा ही नहीं, उधर करा। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है और किसका माहौल है? माहौल तो बढ़िया रहा, केजरीवाल की हिम्मत बहुत अच्छा रहा। केजरीवाल का अच्छा रहा? हाँ बहुत अच्छा रहा। उसने बिजली पानी सब कुछ तो दिया है, इसी चीज की हमें वो जरूरत भी नहीं रही है। अभी अभी गठबंधन से, उन्हीं की गठबंधन से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ से मनोज तिवारी जी हैं, पहले से सांसद हैं, तो मनोज तिवारी जी काम किए हैं या नहीं किए? नौ तिवारी का हमने कोई काम देखा ही नहीं यहाँ पे। हाँ। इधर तो देखा ही नहीं, उधर करा हो तो हम जानते नहीं भाई। इधर कोई काम नहीं किया, इधर हमारी तरफ नहीं करा कोई। अच्छा। सफाई वगैरह कुछ नहीं हुई, नालों की भी नहीं हुई, ना कूड़ा कचरा उठाया किसी ने। सकली अब देखी उनकी हमने। क्या बोले? सकली अब देखी थी मतलब सांसद है, आपने सकल नहीं देखी? नहीं देखी थी, अब देखी थी हमने। अच्छा। हाँ अभी आए थे बस, मतलब अभी चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ बस तब देखे थे हमने, उससे पहले तो देखे ही नहीं थे। कौन से मनोज तिवारी जी हैं? देखे भी नहीं मनोज तिवारी? नहीं देखे ही नहीं थे। गाना उना गाते हैं? हाँ वो गाते होंगे, हमें क्या पता कहाँ गाते हैं भैया। जब हमने देखे नहीं तो हम कैसे कह रहे हैं? टीवी देखते होंगे तो टीवी में तो देखे। गरीब आदमियों की जब तक कोई इंसान मदद नहीं करेगा तो हम उसको क्या समझेंगे। अच्छा। अब केजरीवाल जी ने हमारी मदद करी है हर चीज से, बिजली पानी राशन सब चीज से मदद। केजरीवाल के कारण ही आप लोग कन्हैया कुमार को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और क्या नाम है, हमारी तो यहाँ की संजय कॉलोनी की सब वोटे हाथ पे ही जाएंगी। इस कॉलोनी की सारी वोटें हाथ पर ही जाएंगी? अच्छा हाँ जी। क्या कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा कि केजरीवाल उनके साथ है। अच्छा, केजरीवाल साथ है इसीलिए आप लोग? इसलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ। मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा मनोज तिवारी ने, कुछ भी काम नहीं करा। अच्छा, तो कभी देखा ही नहीं हमने यहाँ। कन्हैया कुमार मिलने आए आप लोग? आए थे मिलने। क्या आप लोगों ने क्या मांग रखा है उनसे? बस हमने मांग क्या रखा है, कहे गरीब आदमियों की मदद करो जी। हाँ। ये मांगा हमने तो। तो आपको उम्मीद है कि कन्हैया कुमार अगर जीतते हैं तो वो आप लोगों की मदद करेंगे? हाँ करेंगे, मदद करेंगे। हाँ, बेरोजगारी भैया, बच्चों के लिए कोई काम धंधा नहीं है। बच्चों के लिए कोई काम नहीं है? नहीं है नहीं। अच्छा। है मजदूरी करते हैं बच्चे, पटरी पे हमारे आदमी काम करते हैं। देखो जो बात है, मनोज तिवारी को तो यहाँ आधे लोग जानते नहीं है, क्योंकि स्टार हैं, नीचे उतर के बात नहीं करते हैं, गाड़ी में रहते हैं, शर्म करते हैं। क्षेत्र में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसी क्षेत्र में, इसी विधानसभा में 30 साल। हमने देखा है वहाँ से नाला गुजर रहा है, वहाँ की गंदगी इधर भी आ रही है। वाकई विकास मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, नाम विकास नाम का कोई भी काम आज तक नहीं हुआ इस 10 साल के अंदर। और जितने यहाँ आप देख रहे हैं पब्लिक, इनसे पूछिए कि मनोज तिवारी का शकल आप जानते हो तो शायद ये कहेंगे मैंने आज तक नहीं देखा। कह रहे हैं फिर से, मैंने भी नहीं देखा। कह रहे हैं कि फिर से जीत रहे हैं, बड़ा मुश्किल है इसको, वो भूल जाएं इस चीज़ों को। जैसा कि आप भी थोड़ा बहुत देखे होंगे, झुग्गी बस्ती से लेके या कहीं भी हम जा रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद हो रही है, क्योंकि हर कोई वो चुका है बीजेपी से। अच्छा। अब बदलाव चाहता है और बदलाव लेके ही मानेगा, ये जनता ऐसे नहीं मानेगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार झा। क्या लगता है कि मतलब इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए देखने से तो बिल्कुल ही विकास नहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है। और जहाँ तक आप पूर्व जो यहाँ के जो सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, तो उनके बारे में मैं एक बात कहूँगा, नेता तो नहीं है मेरे नज़र में, वो नेता नहीं है। तब क्या है? वो अभिनेता है। अभिनेता है जी। अच्छा। और अभिनेता को आपने नेता के रूप में खड़ा कर दिया, दो बार से रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस हो गया सारा चीज़ का? एक्सपीरियंस कहाँ दिख रहा है जमीन पे, किस चीज़ का एक्सपीरियंस? लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, ये एक्सपीरियंस उनको हो गया है। अभिनेता हैं, वो अभिनय करते हैं, लोग को दिखलाते कुछ हैं, जमीन पे करते कुछ नहीं।